dailynews360.com में पेश है नॉर्थ ईस्ट की बड़ी खबर। असम में गैर कानूनी तरीके से रह रहे लोगों की पहचान के लिए NRC का पहला ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है। असम के मुख्यमंत्री सोनोवाल ने साफ कह दिया है कि जिन लोगों के नाम NRC की अंतिम लिस्ट में नहीं शामिल होंगे उन्हें कोई भी मौलिक अधिकार नहीं दिया जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि जिन लोगों के नाम NRC की अंतिम लिस्ट में नहीं होगा उन्हें संयुक्त राष्ट्र द्वारा तय किए गए मानवीय अधिकार ही मिलेंगे। इन्हें तब तक भारत में रहने की इजाजत होगी जब तक केंद्र सरकार इन्हें निष्कासित करने पर कोई फैसला नहीं ले लेती। उन्हें कुछ समय के लिए भारत में रहने की जगह, खाना और कपड़े उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने यह भी साफ कह दिया है कि उन्हें किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं मिलेगी, यहाँ तक कि उन्हें संवैधानिक अधिकार के अलावा मूलभूत अधिकार और चुनाव का अधिकार भी नहीं दिया जाएगा। धन्यवाद।